हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग वंस अगेन। कैसे हैं आप? हो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज हम फिर से करेंगे रेगुलेशंस की बात रिगार्डिंग ड्रोन्स। ये अब अपडेट है, जो भी लोग जाना चाहते हैं क्या हुआ उस मीटिंग में। द मीटिंग हैज़ फाइनली हैपेंड और उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो सब जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मीटिंग्स में क्या हुआ। तो फ्रेंड, जो रेगुलेशंस पिछली बार DGCA ने ड्राफ्ट की थी रिगार्डिंग ड्रोन्स, उसमें दो मिनिस्ट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट थी मीटिंग के अंदर। वो थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ के जो रिस्पेक्टिव पर्सनल्स थे, ऑफिसर्स थे, वो उस मीटिंग में पहुँचे और उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स आगे रखे। वो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और DGCA को कहा गया कि इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, इन पॉइंट्स को अच्छे से फोकस करते हुए, जो कि बहुत क्रूशल हैं, नई ड्राफ्ट करके पॉलिसी लाएँ, सॉरी रेगुलेशन लाएँ, अमेंड इसको रिवाइज करें ड्राफ्ट्स को, और फिर से मीटिंग होगी और फिर वो अप्रूव की जाएंगी। तो क्या क्या पॉइंट्स थे उनसे रेज किए हुए, वो सब मैं आपको बताता हूँ इस मीटिंग में, जिसकी वजह से जो अप्रूवल ऑफ न्यू रेगुलेशन है डिले हो गया बेसिकली। तो फ्रेंड्स, नंबर वन, जो सबसे क्रूशल पॉइंट दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने DGCA के सामने रखा वो ये था कि DGCA ने पिछली अपने रेगुलेशन में, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें न्यू रेगुलेशन के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मैंने बताई थी। एट इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्यूड वीडियो ऑन माई चैनल। तो जो रेगुलेशन में कुछ कमियाँ, में सबसे बड़ी कमी ये थी इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने ये रखी है कि उसमें आपने लिख दिया कि आप क्राउडेड एरिया पर ड्रोन्स मत उड़ाएं, बट आपने उस रेगुलेशन में कुछ भी ये मेंशन नहीं किया कि कहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं, किस हाइट तक ड्रोन उड़ा सकते हैं। सपोज़ कोई बंदा किसी की कोठी पे या किसी के मकान के ऊपर ड्रोन उड़ा रहा है और उसकी सारी प्राइवेसी को हैम्पर कर रहा है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? आपने पनिशमेंट्स का भी कुछ नहीं लिखा। एक आपने हाइट भी कुछ मेंशन नहीं की कि इस हाइट के ऊपर यू कैन फ्लाई द ड्रोन, जिससे आपकी प्राइवेसी इफेक्ट नहीं होगी, ऐसा कुछ भी उसमें क्लियर नहीं था। सो देर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट द प्राइवेसी ऑफ द पर्सनस, बिकॉज प्राइवेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हर एक पर्सन का। अगर आप उसको अफेक्ट करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट प्रॉपर आपको उन रेगुलेशन में लिखनी पड़ेगी, रूल्स बनाना पड़ेगा कि कोई भी बंदा ड्रोन से किसी की प्राइवेसी को हैम्पर करता है तो उसकी ये पनिशमेंट होगी। नंबर टू पॉइंट इसी के आगे था कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कई बार ड्रोन फ्लाइट से, तो अगर कोई एक्सीडेंट कर देता है बंदा तो उस एक्सीडेंट की पनिशमेंट क्या होगी। अगर आप, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि जर्मनी और USA में ड्रोन अलाउड हैं, बट उन्होंने बड़ी क्लियर पॉलिसी बनाई हुई है कि कोई भी बंदा ऐसी जगह पर अगर कोई एक्सीडेंट करता है या किसी की प्राइवेसी को अफेक्ट करता है उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट है, काफ़ी जुर्माना रखा गया है। वैसी कुछ चीज़ें इन न्यू ड्रोन की रेगुलेशंस में उनको नहीं मिली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों पॉइंट उन्होंने उसमें रखे कि आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि कैसे ड्रोन उड़ाया जाए, कहाँ किस हाइट तक ड्रोन उड़ाना लीगल है। अगर कोई बंदा उस लिमिट्स को क्रॉस करता है तो उसकी प्रॉपर पनिशमेंट क्या होगी, पर प्रॉपर जुर्माना क्या होगा। ये था फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मिसिंग था, जिसकी वजह से ये न्यू रेगुलेशंस के लिए दोबारा ड्राफ्ट बनाने को कहा गया। अब दूसरा उनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो आपने प्रोसेस बताई है रजिस्ट्रेशन की, बहुत अच्छी बताई है कि हर एक ड्रोन रजिस्टर होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कैसे कैसे रजिस्टर कर, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो आपने बता दी, बट इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड। मैंने ड्रोन लिया, अब वो रजिस्टर कराने के होम मिनिस्ट्री को अप्लाई करें, होम मिनिस्ट्री को क्यों बीच में लाया गया, ये था मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री का कहना। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने बहुत सजेशन दिया कि आपको लोकल पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व करने चाहिए उसमें, जो बड़ी इजीली हर एक एरिया में लोकल पुलिस स्टेशन हैं, हर एक शहर में हैं, हर एक कस्बे में हैं इंडिया के। तो वो बंदा जिसने भी ड्रोन लिया उसने रजिस्टर करवाना ही है, तो लोकल पुलिस स्टेशन को अलाउ किया जाए, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए UIN नंबर दिया जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत आया था कि UIN नंबर कहाँ से लें, रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराएं, तो वहाँ तक मेरा था, मैं सोच रहा था कि कोई ऑनलाइन हिसाब किताब होगा, बट रेगुलेशन में जब क्लैरिटी अब डिस्कशन वहाँ पर हुआ तो उसमें ये लिखा गया था कि होम मिनिस्ट्री को कॉन्टैक्ट किया जाए। तो होम मिनिस्ट्री ने इस पर बहुत वो अपना दिखाया है कि ऑब्जेक्शन दिखाया कि वाई टू कॉन्टैक्ट होम मिनिस्ट्री फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रोन्स, पुलिस स्टेशन शुड बी अलाउड टू प्रोवाइड UIN नंबर्स। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था
जो कि उन्होंने सामने रखा और न्यू रेगुलेशंस के लिए बोला। अब नंबर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था उनकी तरफ से जो रखा गया वो था ऑटोमेशन। इसमें होम मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन दिखाया, उन्होंने कहा अगर ऑटोमेशन से सब चीज़ें डिलीवरी होने लग जाएंगी अमेजोन फ्लिपकार्ट की तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो वो उन्होंने कहा कि ये भी ठीक नहीं है कि ड्रोन्स को इसलिए यूज़ किया जाए कि आप प्रोडक्ट डिलीवरी करें, वो भी ठीक नहीं है। तो ये थी तीन चार चीज़ें जो उन्होंने होम मिनिस्ट्री ने आगे रखी, जिसकी वजह से फिर से ड्राफ्ट बनेगा। और जब भी ड्राफ्ट नया रेगुलेट आएगा मैं आपके सामने वीडियो लेके आ जाऊँगा, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। एंड फीलिंग वेरी सॉरी कि रेगुलेशन डिले हो गई या मीटिंग हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ बना नहीं उसमें ड्रोन्स के लिए, ड्रोन लवर्स के लिए। बट स्टिल यू कैन बाय ड्रोन फ्रॉम आर सोर्सेज। और नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ कीप रॉकिंग। हेलो गाइस, ये डिस्टर्ब करने यो भाई खड़े। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हो आपको पसंद आया होगा। और कुछ भी आपको चाहिए इस रिलेशन में अपडेट तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पे लिखिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो फिलहाल अपडेट यही है इस वीडियो का, जो पूरा कंक्लूजन यही है कि अभी जो अप्रूव रेगुलेशंस हैं वो अप्रूव नहीं हुई हैं, और दोबारा से मीटिंग होगी, दोबारा से ड्राफ्ट बनेगा, और उसके बारे में अपडेट आपको मैं करता रहूँगा। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कीप रॉकिंग यो।